देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित महिंद्रा शोरूम में हुई 32 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। इस मामले में एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है, जो इससे पहले भी चोरी के दो मामले में जेल जा चुका है। एसपी सरिता डोबाल ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी के पास से 31 लाख रुपये से अधिक का कैश बरामद हुआ है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्रांतर्गत महिंद्रा शोरूम है, जिनके अकाउंटेंट द्वारा जो है एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 23 और 24 की रात्रि में उनके शोरूम में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके अकाउंटेंट ऑफिस से अलमारी का ताला तोड़ करके जो है चोरी की गई थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद घटनास्थल पर जब टीम गई, वहां पर क्योंकि सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल नहीं थे और काफी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, तो वहां पर जो मैनुअल जो है काम करते हुए नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की जो है आइडेंटिफिकेशन की गई, जिसका कि इस चोरी में संलिप्त होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। ये जो अभियुक्त है दीपक कुमार, ये पूर्व में भी जेल गया हुआ है और इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इसके बाद इसने जो चोरी में लगभग 32 लाख रुपए जो वहां से चुराए गए थे, उसमें से लगभग 31 लाख के रुपयों की बरामदगी हुई है, जो कि इसके द्वारा घटना के पश्चात अपनी बहन के घर में छुपाए गए थे। घटना में चोरी गए जो माल है वो बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त को न्यायिक रिमांड पे प्रस्तुत किया जा रहा है।